हेलो स्टूडेंट्स ये एनसीआरटी एक्सरसाइज पेज नंबर 23 पे फ्रॉम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री प्रॉब्लम नंबर 1.13 है ठीक है तो स्टेटमेंट क्या कह रही है प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया ठीक है जो आपका प्रेशर है ठीक है उसको हम लिखते क्या है दैट इज प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया राइट ना ऑफ़ द सर्फेस द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर पासकल इज शोन बिलो ठीक है कि हमारे पास जो ऐसा SI यूनिट होता है प्रेशर का वो क्या आता है? होता है पासकल होता है एंड वन पासकल इक्वल टू वन न्यूटन पर मीटर स्केयर ठीक है ये हमारे पास क्या है दिस इज वन पासकल इक्वलर टू वन एन इज न्यूटन ठीक है न्यूटन ने ऑब्वियसली uh, बात है फोर्स डिफाइन की थी इसलिए हम uh, इसको जो यूनिट लेते हैं वो न्यूटन लेते हैं न्यूटन पर मीटर स्केयर राइट right? अब क्या कह रहे हैं इफ मास ऑफ एयर एट सी लेवल, ठीक है? कि जो हमारे पास एयर है सी uh, लेवल पे उसका अगर मास जो है वो 1.034 ग्राम पर सेंटीमीटर है, ठीक है? तो आप बताओ कि प्रेशर जो है इन पास्कल कितना होगा ठीक है कि हमारे पास मास दिया हुआ है सी लेवल पे जो एयर है उसका 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्केयर और इसका प्रेशर बताना है हमने इन पास्कल तो अब मास हमें ग्राम्स में दिया हुआ है ठीक है फोर्स की बात जो है वो डेफिनेटली हम किस में कर रहे हैं न्यूटन में कर रहे हैं तो ये मैच नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे हम पहले ये जो फोर्स है इसको हम इन टर्म्स ऑफ वेट लिखेंगे मुझे पता है कि फोर्स जो है उसको हम इक्विल टू वेट भी कहते हैं ठीक है तो फोर्स कैन बी इक्विल टू वेट क्योंकि दोनों के जो हमारे पास फॉर्मुल आता है दैट इज एम जी एम मतलब मास जी मतलब ग्रेविटी ठीक है तो अब दोनों का अगर सेम है मेरे पास फॉर्मूला सेम है तो डेफिनेटली ये दोनों इक्विलेंट हो जाएंगे तो मैं फोर्स की जगह पे क्या लिख सकती हूँ फोर्स की जगह पे वेट भी लिख सकती हूँ सो वेट बाय एरिया हो जाएगा ओके okay. अब मेरे पास जो प्रेशर है ठीक है तो प्रेशर क्या होता है प्रेशर मेनली मेरे पास Uh, यहां पे बताया हुआ है कि फोर्स अपॉन एरिया आ रहा है ठीक है तो फोर्स जो है डेफिनेटली मुझे फोर्स निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वेट पता होना चाहिए तो वेट क्या हो जाएगा वेट विल बी वेट इक्वल टू एम एम कितना है दैट इज वन जीरो थ्री फोर ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है मास आ गया मास ऑफ एयर इतना आ गया हमारे पास इनटू ग्रेविटी कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक है कि अब हमारे पास जो है हमारी जो एक्चुअल वैल्यूज हैं, ठीक है थीके? वो वेट की निकाल ली है मैंने ठीक है अब आप क्या करोगे अब मेनली आपने जो फोर्स अपॉन एरिया है ठीक है उसको डिफाइन uh, करना है तो ये वेट आ गया हमारे पास कितना 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्केयर अब यहां पे जो है सेंटीमीटर स्केयर हमारे पास क्या दिया हुआ है कि हमारे पास जो मास ऑफ द एयर है ठीक है वो ऑलरेडी एरिया के आ, उसमें दिया विद रिस्पेक्ट दिया हुआ है ठीक है तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ये मेरे पास जो मास है ठीक है मास कितना है वन जीरो थ्री फोर ग्राम ठीक है एंड एरिया जो है वो मेरे पास आ, आ गया इन टू जब मैंने इसको आ, मतलब कि ग्रेविटी कर दिया तो ये एक कंप्लीट फॉर्मूला मेरे पास किसकी फॉर्म में आ गया दैट इज प्रेशर ओके okay, कि ऑलरेडी इन्होंने जो मास दिया हुआ है वो विद रिस्पेक्ट टू वन सेंटीमीटर एरिया दिया हुआ है तो मैं कह सकती हूं कि ये सेम टर्म term, uh, जो है मैं प्रेशर में यूज कर सकती हूं ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है कि मेरे पास जो प्रेशर है वो मैंने इस फॉर्म में निकाल दिया अब आ, मेरे पास जो न्यूटन की वैल्यू होती है ठीक है तो वन न्यूटन जो है वो नॉर्मली किसके इक्विलेंट आता है यहाँ पे हम लिख लेते हैं वन न्यूटन इक्वल टू वन केजी मीटर इन्वर्स के जी मीटर सेकेंड इनवर्स केयर के इक्विलेंट आता है कि जो न्यूटन की वैल्यू होती है वो मेरे पास वन के जी मीटर पर सेकेंड स्केयर होती है तो अब हमारे पास यहां पे जो मास uh, दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है ग्राम में दिया हुआ है लेकिन न्यूटन की वैल्यू जो है वो के में आ रही है और यहां पे सेंटीमीटर स्केयर है यहां पे मीटर है तो डेफिनेटली हमें ये दोनों वैल्यूज जो है इनकी कन्वर्जन करनी होगी तभी जाके हमारा जो आंसर है वो एक कंप्लीट इस फॉर्मेट में आएगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कन्वर्जन मेथड अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट क्या करेंगे हम हम जो है ग्राम को के में कन्वर्ट करेंगे ठीक है तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम यूनिट फैक्टर फे, लगाते हैं यूनिट फैक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा क्या हो जाता है कि अगर मैं इसी वैल्यू को लिखूं वन के जी इक्वल टू थाउजेंड ग्राम राइट right? तो यूनिट फैक्टर कितना हो जाएगा अब ऑब्वियसली यहां पे जो के है अगर मैं आ, यहां पे ग्राम की बात कर रही हूं आ, अभी ये फॉर्मूला नहीं देखते हैं यहां पे ग्राम जो है वो न्यूमरेटर में है यहां पे डेफिनेटली मुझे डिनोमिनेटर में लाना होगा तभी ये दोनों आपस में कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा यूनिट फैक्टर इक्वल टू वन के जी बाय ग्राम आ गया ठीक है अब यहाँ पे जो मीटर सेंटीमीटर uh, है यहाँ पे सेंटीमीटर डिनोमिनेटर में है तो डेफिनेटली ये जो मैं यूनिट फैक्टर में सेंटीमीटर निकालूंगी उसको मुझे न्यूमरेटर में लाना पड़ेगा तभी वो वैल्यू जो है कैंसिल आउट होगी तो हम क्या कह सकते हैं सेकंड जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है दैट इज वन मीटर इक्वलर टू हंड्रेड सेंटीमीटर डन यूनिट फैक्टर क्या हो जाएगा यूनिट फैक्टर इक्वलर टू Uh, अब ये सेंटीमीटर जो है न्यूमरेटर में लाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर uh, में है तो क्या हो गया हंड्रेड सेंटीमीटर बाय वन मीटर ठीक है अब इसमें uh, देखा जाए तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है यहाँ पे सेंटीमीटर अकेला है तो हम क्या करेंगे हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो जब आपने इसका स्क्वायर कर दिया तो क्या हो जाएगा आई कैन से स्क्वायर दी अबव वैल्यू क्या होगा यूनिट फैक्टर इक्वल टू अब जब मैंने इसका स्क्यर किया ठीक है तो क्या आ जाएगा हमारे पास फोर जीरो आ जाएंगे क्योंकि दो जीरो का स्क्वायर कितना आ जाता है दो जीरो और ऐड हो जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाय वन मीटर स्क्वेयर आ गया राइट right? अब हमारे पास दोनों कन्वर्जन जो है, वो हमने फाइंड आउट कर लिया तो अब आप क्या करोगे यहाँ पे जो प्रेशर की वैल्यू आपने फाइंड आउट किया अब इसमें वैल्यूज पुट कर लोगे तो क्या आ जाएगा P इक्वल टू वन जीरो थ्री फोर ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वेयर ठीक है इन मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर ठीक है into, अब पहले हम के की वैल्यू पुट करेंगे वन के जी ग्राम आ गया इन अब आप सेंटीमीटर स्केयर वाली जो कन्वर्जन आपने किया वो पुट करोगे uh, वन थ्री फोर जीरो आ गए सेंटीमीटर स्केयर बाय मीटर स्केयर आ गया ठीक है अब हमने क्या करना है कैंसिल करना है ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल हो गया सेंटीमीटर के साथ सेंटीमीटर कैंसिल हो गया और यहां पे एक मीटर जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो जब हमने फाइनल वैल्यू देखी तो प्रेशर कितना आ रहा है दैट इज वन जी वन जीरो थ्री फोर इन टू नाइन पॉइंट एट ठीक है अब ये थ्री आ, जो जीरोज हैं इन थ्री जीरो के साथ कैंसिल हो गए एंड इन टू टेन हो गया ठीक है अब देख लो आपके पास यूनिट्स कौन कौन सी रह गई है के जी रह गया ठीक है मीटर इनवर्स रह गया ठीक है एंड सेकेंड इनवर्स स्केयर रह गया ठीक है अब ये वैल्यूज जब आपने मल्टीप्लाई की एक इस, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज वन जीरो वन थ्री थ्री टू ठीक है एंड के जी मीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स स्केयर ठीक है अब ये जो था हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ गई अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है हमने ये, ये जो वैल्यू हमारे पास आई है इसको हमने न्यूटन uh, में कन्वर्ट करना है ठीक है तो अब हम न्यूटन का भी देख लेते हैं इसमें भी हम यूनिट फैक्टर ही अप्लाई करेंगे वन न्यूटन इक्लर टू वन के जी मीटर सेकेंड स्केयर का इनवर्स ठीक है तो जब आपने आ, इस पर यूनिट फैक्टर लगाया अब ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है हमें वैल्यूज कौन कौन सी कैंसिल करनी है हमें मेनली ये केजी वाली वैल्यू कैंसिल करनी है तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मुझे ये केजी वाली वैल्यू कैंसिल करनी है तो ये डेफिनेटली uh, ये न्यूमरेटर में है तो ये डिनोमिनेटर में आनी चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे वन न्यूटन बाय वन केजी मीटर सेकंड इनवर्स स्केयर ठीक है अब जब आपने ये वैल्यू यहां यहां पे पुट की ठीक है तो क्या हो गया प्रेशर इक्वल टू वन जीरो वन थ्री थ्री टू के जी मीटर इनवर्स सेकेंड स्क्स इन टू वन न्यूटन बाय वन के जी मीटर सेकेंड स्क्वेयर इनवर्स ठीक है अब देख लीजिए कौन कौन सी वैल्यू कैंसिल हो रही है के जी के साथ के जी कैंसिल हो रहा है ठीक है एंड यहां पे सेकेंड स्केयर uh, इनवर्स के साथ सेकंड स्केयर इनवर्स कैंसिल हो रहा है लेकिन ये मीटर जो है डेफिनेटली डिनोमिनेटर में है देखा जाए तो ये भी डिनोमिनेटर में है तो ये ऊपर जाके क्या होगा माइनस वन हो जाएगा सो योर प्रेशर विल बी वन जीरो वन थ्री थ्री टू ठीक है न्यूटन uh, क्योंकि हमने फोर्स जो है न्यूटन में निकाली हुई है एंड मीटर ये माइनस वन है ये भी ऊपर जाके माइनस वन हो जाएगा तो ये क्या गया न्यूटन माइनस टू हो गया तो ये हमारे पास क्या है देखा जाए तो ये दोनों सेम नहीं आ रहे हैं यहां पे भी वन पास्कल जो है किसके इक्विलेंट बता रहे हैं न्यूटन मीटर स्केयर इनवर्स के ठीक है यहां पे भी न्यूटन मीटर स्केयर इनवर्स आ रहा है सो आई कैन राइट इट मैं इसको भी सिंपलीफाई कर लेती हूं 1.01332 ठीक है हम ट्रेन रेस टू पार कितनी कर लेंगे 1 2 3 4 5 क्योंकि डेसिमल हमने यहां पे लगाया सो इन टू टेन रेज टू पार 5 आ गया and newton meter square or i can say it is 1.01332 into 10 raised to power 5 pascal is your final answer